तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट डिजीज स्मॉल पॉक्स 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 स्मॉल स्मॉल जो है है इसे वेरियोला वायरस कॉज करता है, और के डिटेक्शन के लिए टेस्ट यूज किया जाता है लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड डिजीज हर्पिस सिंप्लेक्स वायरल इन्फेक्शन जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है इसे हर्पिस सिंप्लेक्स नाम का एक वायरस कॉज करता है और इसके लिए जैंग टेस्ट यूज करते हैं लेट्स सी द थर्ड डिजीज जॉन्डिस अगर हम जॉन्डिस की बात करें तो जॉन्डिस हेपेटाइटिस नाम का वायरस कॉज करता है और जॉन्डिस के डिटेक्शन के लिए बिली रूबिन मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है एड्स जिसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनोडेफिशियंसी सिंड्रोम इसे एच नाम का वायरस कॉज करता है एच की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस तो एच के डिटेक्शन के लिए एलाइजा यूज किया जाता है एलाइजा की फुल फॉर्म होती है एनजाइन लिंक इम्यूनोजॉर्बेंट जो कि एक प्रकार का इम्यूनो एसे होता है और सदन ब्लॉट एंड पीसीआर रिएक्शन ये भी मोस्ट कॉमनली यूज है जिसे डेंगू वायरस कॉज करता है और डेंगू के डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं टॉर्निक वेट टेस्ट सो दिस ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वायरल डिजीजेस अब हम बात करेंगे कुछ प्रोटोजोन डिजीज के बारे में तो अगर हम मलेरिया की बात करते हैं

जनरली डिपस्टिक बेस्ड ऐसे होते हैं ये जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरक्शन बेस्ड डायग्नोसिस किया जाता है मलेरिया का अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में लिशमैनियासिस लिशमैनियासिस भी एक ऐसी डिजीज है जिसे प्रोटोजोआ कोज करते हैं ठीक है ठीके? और उस प्रोटोजोआ का नाम है लिशमैनिया Leishmania. तो लिशमैनियासिस की अगर हम बात करें तो जस्ट लाइक मलेरिया लिशमैनियासिस भी एक प्रकार की वैक्टरबॉन्न डिजीज है और इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो सैंड फ्लाइज के द्वारा होता है इसीलिए इसको वैक्टरबॉर्न डिजीज बोला जाता है तो लिश्मेनियसिस के डिटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं नेपियर्स नेपियहाइट टेस्ट जिसका दूसरा नाम फॉर्मल जेल टेस्ट भी होता है ठीक है तो ये कुछ कॉमन टाइप के डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वायरल डिजीजेस के लिए एंड प्रोटोजोन डिजीजेस के लिए अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर बैक्टीरियल डिजीजेस तो अगर हम बात करते हैं कॉलरा की जो कि एक बहुत ही कॉमनली नोन डिजीज है और विब्रियो कॉले नाम का बैक्टीरिया कॉज करता है इसके लिए हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट यूज किया जाता है डिप्थीरिया डिप्थीरिया जो है ये कोराइनी बैक्टीरियम हम नाम का बैक्टीरिया कॉज करता है और डिप्थीरिया के डिटेक्शन के लिए शिक टेस्ट यूज करते हैं हम गैस्ट्रिक अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर्स जिसको हम स्टोमिकल्सर भी बोलते हैं ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया कॉज करता है और इसके डिटेक्शन के लिए हम यूरिया ब्रीथ टेस्ट यूज करते हैं प्लेग प्लेग को हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं और प्लेग को यर्सिनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया कॉज करता है और प्लेग के डिटेक्शन के लिए वेजन स्टेन टेस्ट यूज किया जाता है

टाइफ तो के डिटेक्शन के लिए विडाल टेस्ट यूज करते हैं टाइफस टाइफस जो है ये एक प्रकार का रिकेट्सियल है जिसे रिकेट्सिया की करती तो टाइफस की अगर हम बात करें तो टाइफस के डिटेक्शन के लिए वेल फेलिक्स टेस्ट यूज करते हैं ठीक है तो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोजोन डिजीजेस एंड बैक्टीरियल डिजीजेस और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि कॉमन टाइप के होते हैं और रूटीनली यूज होते हैं डिफरेंट टाइप के डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी और अगर आपको ये अच्छी लगी और वैल्युएबल लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फोगेट टू तो सब्सक्राइब टू तो माय चैनल थैंक यू सो मच कीप वाचिंग